सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम को पहले T20 मुकाबले में कंगारुओं के खिलाफ जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो मैचों की T20 सीरीज का आरंभ अब जल्दी ही होने वाला है। आपको बता दें कि भारत का दौरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत पहुंच चुकी है और 24 फरवरी से दोनों ही टीमों के बीच में दो मैचों की इस T20 सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलोर में खेला जाएगा तो वहीं दूसरा मुकाबला 27 फरवरी को विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। साथ ही हाल ही में जिस तरीके के हालात भारत देश में रहे उसके बाद यही अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इस सीरीज को थोड़े दिनों के लिए टाल दिया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ है और अब यह सीरीज अपने निर्धारित समय व तारीख के साथ ही शुरू होगी। लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज को लेकर खास तौर पर भारतीय दर्शकों में काफी ज्यादा रोमांच देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी तो वहाँ T20 सीरीज का कोई नतीजा नहीं निकला था। साथ ही न्यूजीलैंड दौरे पर तो भारतीय टीम T20 फॉर्मेट में हार ही गई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम एक मजबूत टीम के साथ इस T20 सीरीज में उतरकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को ना सिर्फ हरा सकती है बल्कि T20 फॉर्मेट में भी अपनी छवि को वापस से पा सकती है। आपको बता दें कि वैसे तो T20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान पहले से ही किया जा चुका है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होगी भारतीय क्रिकेट टीम की संभावित प्लेइंग 11। दोस्तों, जब बात T20 की आती है तो आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि T20 क्रिकेट में हमेशा से ही भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे धुआंधार खिलाड़ी शामिल रहते हैं, तो ऐसे में इस बात में तो कोई शक नहीं रह जाता कि रोहित शर्मा, शिखर धवन व ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी आपको टीम में जरूर खेलते हुए दिखेंगे। इन गेंदबाजी में आपको भारतीय टीम में एक बेहद ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को इस T20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी लगभग तय बताई जा रही है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड दौरे पर आराम दिया गया था, जिसके बाद अब वह 3 महीने बाद T20 क्रिकेट में अपनी वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने अपना आखिरी T20 मैच साल 2018 25 नवंबर को सिडनी में खेला था, लेकिन इस T20 सीरीज के लिए एक और अहम मुद्दा जो उठ रहा है वह यह है कि क्या BCCI अब युवा खिलाड़ियों को टीम में मौका देना चाहेगी या फिर नहीं। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं कि पहले T20 मुकाबले के लिए क्या होगी भारतीय क्रिकेट टीम। हमेशा की तरफ से आपको टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा व शिखर धवन। इसके बाद मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए दिखेंगे कप्तान विराट कोहली, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, MS धोनी और ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय शंकर। वहीं स्पिन गेंदबाजी का मोर्चा रहेगा ऑलराउंडर खिलाड़ी कृणाल पांड्या और युजवेंद्र चहल के हाथों में। साथ ही तेज गेंदबाजी रहेगी जसप्रीत बुमराह व उमेश यादव के अनुभवी हाथों में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या की कमर में एक भयंकर चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें इस T20 सीरीज से आराम दे दिया गया है। ऐसे में अब आपको टीम में केवल एक नहीं बल्कि दो ऑलराउंडर खेलते हुए दिखेंगे और वह विजय शंकर और कृणाल पांड्या। दोस्तों, यह टीम अपने आप में ही काफी मजबूत लगती है, क्योंकि जहां टीम में रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं तो वहीं अब भारतीय टीम में दो ऑलराउंडर भी शामिल हो गए हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पहले T20 मुकाबले को जीत पाएगी या फिर नहीं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। साथ ही ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।